आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वही हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्टचक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सारे ग म प ध नि सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं, ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वाधिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्त्रार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रणीत है, वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हो। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, उसके उत्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि माँ, ये इतना सरल कैसे? सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं, सब बिल्कुल ही सहज हैं। एक बीज में अंकुर भी सहज आता है। लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं। उसे हम मान से लेते हैं। जैसे कि आपकी श्वास की क्रिया जो है, ये कितनी सहज है। इसके लिए अगर आप किसी गुरु के पास जाना पड़े, या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े, या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े, तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है, उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता, तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसी अनेक विध चीजें जो जीवंत हैं, हम देखते हैं। ये फूल
खिलते हैं अपने आप और इनके फल भी हो जाते हैं अपने आप। ये रतम भरा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता, एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से है कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस है, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं कि उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते हैं। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते हैं। यही कार्य ये कुंडलिनी करती है। लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस सांस की कि ये स्वर सारे जाकर के अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहां से लेकर के यहां तक सातों की सातों जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये सात चक्र जो हम नीचे देखते हैं उनके पीठ हमारे मस्तिष्क के, यहां से शुरुआत करिए या यहां से शुरुआत करिए तो मूलाधार, आदि सब करते हुए यहां आपके हृदय चक्र, और हृदय के बाद यहां तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहां विशुद्धि चक्र है। ये तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए कि सात स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ है, जो उसके हरेक स्वर का निनाद इन सात पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में किस तरह से घुमाया जाता है, उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगठित तालबद्ध स्वर में आलापा जाता है, ये एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है, और अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं तो आप कहेंगे कि ये कैसे करें माँ, ये तो मुश्किल काम। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहां आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है, और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी सहस्त्रार पे आने पर उसे चाक कर देती है। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता है। जो कहा है राम रंग रसभीनी,
वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है, उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब कितनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहां बीचों बीच है, जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय, इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है। बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का वास है, जिसके ऊपर सात रंगों में इन सात पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका, और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अजना कस परेशान होना। जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती है। ये चक्र सारे के सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें, तब तक न हम बदल सकते हैं, न दुनिया बदल सकती है।